आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार योजना के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 50% के कमीशन पर FTTH कनेक्शन खोलने व रख रखाव करने की योजना तैयार की है, जिसके लिए BSNL ने शिक्षित बेरोजगारों को भागीदारी देने की पेशकश की है। इसके संबंध में भारत संचार निगम लिमिटेड गोरखपुर के महाप्रबंधक विद्यानंद ने बताया कि PCO के तर्ज पर अब BSNL बेरोजगारों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए घरेलू उपकरणों में भी इंटरनेट से जुड़कर राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश की है। इसमें 50% तक कमीशन उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इस संबंध में योजना की पूरी जानकारी गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से देते हुए BSNL गोरखपुर के महाप्रबंधक विद्यानंद ने बताया। भारत सरकार की एक स्वरोजगार योजना और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की एक BSNL ने योजना लॉन्च की है। और ये कुछ जो हमारी पहले PCO की योजना चलती थी, जैसे हम PCO को कनेक्शन देते थे और BSNL और जो फ्रेंचाइजी थे उनके बीच कुछ कमीशन का स्ट्रक्चर था जो लगभग 25% के आसपास आता मैक्सिमम, उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए BSNL ने एक नई योजना लाया है जिसमें कुछ इक्विपमेंट लगाने हैं। जो फ्रेंचाइजी अब होगा वो एक इक्विपमेंट लगाएगा और वहाँ से अपने आसपास के क्षेत्र में FTTH का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का कनेक्शन देगा और जो बिलिंग होगी उसमें और हमारे में लगभग 50% का शेयर होगा। जैसे PCO में लोग पब्लिक का कॉल कराते थे उनको 25% 15 से 25 तक का हम लोग कमीशन देते थे, इसमें हम लोग सीधे 50% के आसपास कमीशन दे रहे हैं। उनको अपना इक्विपमेंट लगाना है जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये है, अपना फाइबर की केबल लगाना है जो 7 से 8 रुपये मीटर जो है यहाँ पे शाही मार्केट में मिल जाती है, इक्विपमेंट भी मिल जाता है, केबल भी मिल जाती है और उपभोक्ता के घर पे एक छोटा सा मॉडम लगता है वो भी मिल जाता है। यानी किसी भी बेरोजगार को, किसी भी जो हमारे संभावित फ्रेंचाइजी हैं उनको किसी सामान के लिए गोरखपुर से बाहर नहीं जाना। इसमें जैसे मल्टीप्लेक्स हैं, जैसे आपका बलदेव प्लाजा ही है, उसमें भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो वहाँ एक कर लें और उसमें 100 के ऊपर दुकानें हैं, उन दुकानों में आप कनेक्शन खोलें और उसमें जो भी बिलिंग का होगा वो 50% पे 50% BSNL को आएगा, 50% जिनका है वो जो फ्रेंचाइजी है उनका हो जाएगा। इस सिस्टम में एक ब्यूटी ये है कि इसमें कमीशन जो है ऑटोमेटिक, कमीशन के लिए विभाग में कहीं भी बिल पास कराना, अप्रूवल कराना, इसके झंझट नहीं। सॉफ्टवेयर से जो बैंकिंग, न्यू बैंकिंग सिस्टम आए हैं या जो इस समय इंस्टा पे वगैरह के जो ऑनलाइन पेमेंट के जो चक्कर हैं, तो ऑनलाइन ही कमीशन डिडक्ट होकर उनके अकाउंट में चला जाता है। इसमें कहीं ऑफिस का इंटरफेरेंस नहीं है कि फाइल घूम रही है महीनों भर और हमारा ये काट लिया, वो काट लिया, ये ऑब्जेक्शन लगा दिया, वो ऑब्जेक्शन लगा, इस तरह की कोई झंझट। सेंटर है गोरखपुर में, एक तो इसी बिल्डिंग में है, शास्त्री चौक पे, सिविल लाइन्स में है, गोरखनाथ में है, राप्ती नगर में है और आपका ये बक्सीपुर में है, आनंद नगर है, महाराजगंज है, आपका यहाँ पे झारखंडी में है। इन जगहों पे बिना किसी पैसे के जीरो पेमेंट पे उपभोक्ता अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, उसको जीरो पेमेंट में होगा। लगना क्या है कि 250 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगना है और
ONT जो है, जो मॉडम है, जो सब्सक्राइबर के घर पे लगना है, जिसकी कीमत करीब 1600-1700 से लेके 2500 के बीच में है, जो उपलब्ध है आपके शाही मार्केट में। बस ये है कि जो हमारा फ्रेंचाइजी इक्विपमेंट लगाएगा उसी की कंपेटेबल मैं ऐसा मॉडम खरीदे जो उस पर चल जाए, तो वो चाहे तो बाज़ार से भी खरीद सकता है उपभोक्ता, और अगर वो चाहे तो जो फ्रेंचाइजी हमसे जुड़ रहे हैं उनसे भी खरीद सकता है। कनेक्शन लगने के लिए, जो टेलीफोन लगाने के लिए अपना एड्रेस प्रूफ देते हैं और एक डिमांड नोट बताया है कि फ्री की रहेगी, उसमें जीरो चार्ज, जीरो पे डिमांड नोट काटेंगे। आपको दो ऑप्शन है, जो मॉडम खरीदना है जिसको हम लोग OLT कहते हैं सिस्टम, तो OLT में ये है, या तो आप मार्केट से खरीद के अपना लगा सकते हैं, या जो हम फ्रेंचाइजी हमसे ले रहे हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है उपभोक्ताओं के लिए कि वो ये ज़रूर चेक कर रहे हैं कि जो उनकी लगी हुई है मशीन, जहाँ भी जिस एरिया के हैं, वो उनका मॉडम उसके साथ काम करता है कि नहीं करता। क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें हैं कि मशीन, मान लीजिए हमने साइरोटेक लगा रहा है, साइरोटेक का मशीन लगी हुई है किसी उसमें बलदेव प्लाजा में ही लगी है साइरोटेक के लिए, तो वहाँ पे दूसरे उसकी 3-4 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके मॉडम जो है साइरोटेक की OLT पे चल जाती, तो आप अगर 5वीं का ले आएंगे उस पर चलेगा नहीं तो कंप्लेन हो, कहेंगे कि चल नहीं रहा, जबकि वो उस इक्विपमेंट से जो बलदेव प्लाजा में हमारे फ्रेंचाइजी ने लगाया है उससे आपके घर पे लगने वाला मॉडम मैच नहीं कर, ये इसको अवॉइड कर। कनेक्शन दे सकते हैं एक जो ये मशीन है उसमें 30 कनेक्शन आप दे सकते हैं। तो अगर इसमें जैसे मेन चीज़ है कि क्या मिलता है, तो हमने दिया है कि जो भी यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइजी हैं जो अब तक जुड़े हैं वो 46,000 एवरेज के रूप में कमा रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए कि आपने 1,000 का वो ले लिया, 1,000 का प्लान अगर कस्टमर आपके आ गए, इसमें 600 के प्लान हैं, जो भी हमारे ब्रॉडबैंड के प्लान हैं सब प्लान है इस पर लागू, 250 का भी प्लान, स्पीड कम, डेटा यूजेज कम। तो मान लीजिए कि आपने 1,000 का एवरेज ले लिया तो 30,000 की बिलिंग होगी, 15,000 फ्रेंचाइजी का होगा, 15,000 विभाग को जमा होगा। तो ये जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वरोजगार का और आपका स्किल इंडिया का, कि नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग जुड़ें, तो इसके लिए हमारे योजना के बनाने वालों ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक ऑफर लाए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, और जो अभी कोई खाली काम में हैं, बेरोजगार हैं, उनको एक अगर 2 LT लगा लिए तो 25-30,000 रुपये महीने का उनका आराम से रखा हुआ है, 15-20,000 महीने एवरेज अगर मिक्स प्लानिंग है। हालांकि इसमें जो हम लोग का ट्रेंड है, जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें जितने भी अच्छे प्रीमाइसेज हैं, बलदेव प्लाजा है, मंगलम टावर है, राप्ती कॉम्प्लेक्स है, सहारा सिटी है, इसके अलावा जो है आपके उधर खुले हैं ओरियन मॉल में भी लिया गया है, ये मॉल यहाँ पे कहीं भी 1,000 रुपये से कम के कनेक्शन कोई ले नहीं रहा है, 5-5,000 के कनेक्शन भी, एक एक कनेक्शन 5-5,000 वाले प्लान के भी लोग ले रहे हैं। तो 5,000 का अगर 10 आपको मिल गया है तो 25,000 आपको हो जाए, भले ही आप 10 ही कनेक्शन चलाएं, मंथली मिल जाए। तो ये तो आपके स्किल पे है, इंडियन ऑयल ले रहा है,
इंडियन ऑयल है, नगर पालिका है, या जो ये रेजिडेंशियल नए टावर बन रहे हैं, इनमें भी इसमें ये है कि आप दूरी नहीं देख रहे, एक अगर रेजिडेंशियल टावर है उसी में आपने लगा दिया, तो इसमें प्रोविज़न है जो रेजिडेंशियल टावर के ओनर हैं वो भी चाहे तो हमारे फ्रेंचाइजी बन सकते, और अपने जितने भी बिल्डिंग है उनका एक हाउसिंग सोसाइटी रहती है, तो सोसाइटी चाहे तो कनेक्शन भी मेंटेन करे, उनका योग्यता भी कुछ है इसमें है? तो अच्छी योग्यता भी मांगे हैं उसमें एप्लीकेशन, सिंपल नॉर्मल योग्यता है कि आप हाई स्कूल पास हो तब भी हम करेंगे, क्योंकि पीसीओ में हम लोगों ने हाई स्कूल का मार्क निर्धारित किया था। हाँ, इसमें थोड़ा अगर कंप्यूटर फ्रेंडली आदमी है, चलाना उठाना जानता है, तो उसके लिए सुविधाजनक होगा, तो या तो वो खुद कंप्यूटर फ्रेंडली हो या ऐसे भाई, ये तो ये योजना है तो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी तो जुड़ेगा नहीं, तार बिछाने वाले भी चाहिए, तार कटे तो बनाने वाले भी चाहिए, कंप्यूटर चलाने वाले भी, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो होगा।